तो वेरी गुड इवनिंग टू ऑल, गुड इवनिंग एवरीवन, सभी भाइयों को मेरा राम राम, सभी को सलाम, सभी को जय हिंद है। सो कैसे हो प्यारे भाइयों, आज आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और खूब ढेर सारी मेहनत कर रहे होंगे अपने एग्जाम को लेकर। चलिए आज का सेशन शुरुआत करते हैं, और सेशन शुरुआत करने से पहले मैं कुछ लाइन कहना चाहूँगा कि शिक्षा में बहुत ताकत होती है मेरे दोस्त, शिक्षा में बहुत ताकत होती है जिससे पूरी दुनिया को बदला जा सकता है। और ये शिक्षा जो हमारी शुरुआत होती है वो हमारे हाथों में जो पेंसिल पकड़ा के शुरुआत होती है उसी से शुरुआत की जाती है। जब एक बच्चा पढ़ने के लिए स्कूल में जब जाता है तो सबसे पहले उसको हाथ में पेंसिल पकड़ाया जाता है, ठीक है। ये कहानी पेंसिल की शुरुआत हमारी बचपन से ही हो जाती है, ठीक ना, और होते 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 आज हम इंजीनियरिंग ड्राइंग तक पहुंच चुके हैं। और आज का हमारा जो मेन टॉपिक है इंजीनियरिंग ड्राइंग का वो है पेंसिल, ठीक है। आज इस क्लास में मैं आप लोगों को पहली बार ये बता दूं कि पेंसिल के ऊपर पूरी जानकारी आपको दी जाएगी, ठीक है ना। जो भी लोग नए आए हैं एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और मैं आपको बता दूं इस क्लास में बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट होने वाला है। जो भी लोग पेंसिल के बारे में नहीं जानते हैं आज वो पेंसिल के बारे में सारी बातें समझेंगे कि पेंसिल कितने कितने प्रकार की होती, कितने टाइप्स होते हैं। क्या आप जानते हैं हम सभी HB पेंसिल से ही क्यों लिखते हैं, इसका क्या रीजन है, ठीक है ना। ये पेंसिल के ऊपर एक ग्रेडिंग की जाती है, आपको पता होगा हम HB पेंसिल से ही क्यों लिखते हैं, इसका क्या कारण है, इसके बारे में भी इस वीडियो के अंदर हम जानने वाले हैं। तो आज का जो हमारा मेन टॉपिक है इंजीनियरिंग ड्राइंग का वो है हमारा पेंसिल। तो एक बार फटाफट सभी लोग आ जाइए, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल, गुड इवनिंग माय डियर, ठीक है। शुरुआत करते हैं अपनी कहानी इस पेंसिल से। सर ड्राइंग शीट हमने पढ़ा, ड्राइंग शीट क्या होता है, कैसे होता है, हमने आपको उसका डाइमेंशंस बताया, ड्राइंग शीट में कई सारे रेशियो बताया, अनुपात बताया, ठीक है। इसके बाद हम सीधे आ गए पेंसिल पे। सर क्या ड्राइंग शीट खत्म हो गई? नहीं, ड्राइंग शीट खत्म नहीं हुई, अभी उसका लेआउट बाकी है। लेकिन ड्राइंग शीट पे जो आप ड्रॉ करने जा रहे हो, जिससे आप टाइटल बॉक्स लिखोगे, जिससे आप लाइन खींचोगे, उस पेंसिल के बारे में तो जान लो। अगर हम पेंसिल के बारे में समझ गए तो इसके बाद हम आपको ड्राइंग शीट का लेआउट भी आपको सब समझ में आ जाए, ठीक है ना, क्योंकि वहां आपको कंस्ट्रक्शन लाइन किस पेंसिल से खींचनी है वो पता चल जाएगा, ठीक है ना। चलिए स्टार्ट करते हैं अपने आज के इस क्लास को, ठीक है। तो एक बार फटाफट सभी लोग आ जाइए, और अगर अभी तक आपने वीडियो को शेयर नहीं किया तो एक बार जरूर सेशन को शेयर कीजिए, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आपको मैं बता दूं मैं डेली रात में 10 बजे लाइव आता हूं। अगर आप मुझे लाइव सुन रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं सुन रहे हो तो डेली रात में 10 बजे मैं आपसे यहां मुलाकात करता हूं, जहां मैं आपके सारे क्वेश्चंस का जवाब देता हूं और अपने टॉपिक्स पे फोकस करता हूं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस टॉपिक को, पेंसिल, ड्रॉइंग में यूज होने वाली पेंसिल। जी हाँ, मैं उसी पेंसिल की बात कर रहा हूं जो नॉर्मल आप लोग यूज करते हुए आए हैं, ठीक है ना। तो आपको मैं बता दूं ड्राइंग के अंदर कोई स्पेशली पेंसिल नहीं है, लेकिन हाँ ड्राइंग के अंदर बताया गया है कि इस दुनिया में कितने टाइप्स के पेंसिल है, ठीक है ना, उसके बारे में भी बातें होंगी, ठीक है। चलिए शुरुआत करते हैं पेंसिल की। पेंसिल, पेंसिल के अंदर सबसे पहला पॉइंट आता है पेंसिल लीड। आपने कभी भी पेंसिल देखा होगा, ठीक है, ये देखो आप ये पेंसिल देख पा रहे हो, इस पेंसिल के अंदर आपको क्या देखने को मिल रहा है, ये पार्ट क्या है? सर ये होता है पेंसिल का लीड। क्या होता है? लीड, ठीक है ना, पेंसिल का लीड। और ये पीछे क्या है? सर ये पेंसिल पकड़ने के लिए जो हमारे पास वो लकड़ी का है होता है उनुमा, ठीक ना, इसके अंदर क्या होता है? पेंसिल का लीड लगा होता है। तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट मेन फोकस पार्ट क्या है पेंसिल का? वो है लीड। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है? पेंसिल की लीड। यहीं से शुरुआत करता हूं आज की इस लाइन को कि पेंसिल का लीड किस चीज से बना होता है। आपके एग्जाम में क्वेश्चन भी पूछा जाता है पेंसिल का लीड किससे बना होता है, तो पेंसिल लीड आर मेड ऑफ ग्रेफाइट। गाइस आपको मैं बता दूं ग्रेफाइट ये बहुत सारे बच्चे पहले से ही जानते हैं। यार आपने थ्री इडियट मूवी देखी होगी, उसके अंदर एक बड़ा ही अच्छा डायलॉग है कि पेंसिल से क्यों नहीं लिखा, फाउंटेन पेन से क्यों नहीं लिखा, एक डायलॉग है बड़ा अच्छा, ठीक है ना। पेंसिल के आगे जो लीड लगी होती है वो क्या होती है? ग्रेफाइट की बनी होती है। लेकिन आपको पता है वो सीधे सीधे सिंपल ग्रेफाइट ही नहीं डला होता है, उसके अंदर एक क्ले मिलाया जाता है। जी हाँ, क्ले का नाम है काओलिन, बड़ा ही फेमस क्ले है ये काओलिन क्ले,
ठीक ना, ग्रेफाइट विद काओलिन क्ले। काओलिन क्ले कैसा दिखता है सर? तो आप देख रहे होंगे यहां मैंने स्क्रीन पे एक फोटो लगा रखा है, यह है काओलिन क्ले। काओलिन क्ले ठीक ना, यानी कि पेंसिल लेड अलग अलग अनुपात के काओलिन मिट्टी के साथ ग्रेफाइट से बने होते हैं। डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स यहीं से क्रिएट होता है। अगर सोचिए कि सिर्फ ये कहा जाए कि पेंसिल का लीड ग्रेफाइट से बना है, तो पेंसिल के इतने सारे प्रकार कहां से बन गए? आपको पता है पेंसिल के जितने भी प्रकार हैं वो मैं अगले पेज में बताऊंगा, वो लीड के हिसाब से ही बांटे गए, ठीक है ना, कि इस लीड के अंदर कुछ चेंजेस किए गए हैं और चेंज कर करके पेंसिल को बनाया गया है। तो पेंसिल का जो लीड होता है वो किस चीज से बना होता है? ग्रेफाइट विद काओलिन क्ले ऑफ वेरिंग प्रोपोर्शन टू गेट डिजायर ग्रेड, ठीक है ना। पेंसिल का लीड अलग अलग अनुपात के काओलिन मिट्टी के साथ ग्रेफाइट से बने होते हैं, यानी कि ग्रेफाइट लिया, काओलिन मिट्टी लिया, दोनों को मिलाया एक अलग अलग अनुपात, किसी में ग्रेफाइट ज्यादा, किसी में काओलिन मिट्टी ज्यादा, मैटर समझ रहे हैं। ये मिलाकर पेंसिल का लीड बनाया जाता है। तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा, बताइए पेंसिल का लीड कैसे बना होता है? तो ग्रेफाइट विद काओलिन क्ले, ग्रेफाइट और काओलिन मिट्टी से मिलकर बना होता है। सिर्फ ग्रेफाइट मत बोलिएगा, हाँ अगर ऑप्शन में ग्रेफाइट हो सिर्फ तो चलेगा। नाउ अब आपने कहा सर अलग अलग प्रकार का ग्रेड पाते हैं पेंसिल में, बिल्कुल। अब ग्रेड क्या होता है उसके बारे में थोड़ी देर बाद बताऊंगा, यानी कि यहां आपको समझने की बात है बहुत ही इंपॉर्टेंट। मोर द काओलिन हायर द हार्डनेस, अगर आपको पेंसिल का हार्डनेस बढ़ाना है, यानी कि अधिक काओलिन उच्च कठोरता देती है पेंसिल। आपको आगे चल के देखने को मिलेगा तीन प्रकार में बांटा गया है, थ्री टाइप्स के हैं, हार्ड मीडियम सॉफ्ट, तीन टाइप का पेंसिल देखने को मिलता है, ठीक है ना। तो ज्यादा काओलिन मिट्टी मिलाओगे वो पेंसिल हार्ड हो जाएगी, ज्यादा ग्रेफाइट मिलाओगे पेंसिल सॉफ्ट हो जाएगी। यहां समझने की कोशिश करते हैं, पेंसिल की लीड जो होती है ग्रेफाइट विद काओलिन क्ले से बनी होती है, और अगर आप ज्यादा काओलिन यूज करोगे, काओलिन मिट्टी, मिट्टी का नाम है, काओलिन मिट्टी यूज करोगे ज्यादा, तो उसका हार्डनेस क्या होगा? ज्यादा होगा, ठीक है ना। अधिकतर अधिक काओलिन का मतलब है उच्च कठोरता होगी, ठीक है। जैसे कि एक क्वेश्चन आया है रेलवे एग्जामिनेशन में, मैं आपको वो दिखाई देता हूं सेम टू सेम। पेंसिल की नोक में मुख्य संघटक कौन से होते हैं, कौन से होते हैं, ठीक है ना। व्हाट आर द मेन कंपोनेंट ए पेंसिल टिप, पेंसिल टिप के टिप बोल दे या लीड बोल दे, ध्यान रखिएगा क्या होगा माय डियर, देखो ध्यान से। क्ले एंड लीड, नहीं सर लीड नहीं, लीड तो उसको हम बोलते ही हैं, तो क्या होगा आंसर? ग्रेफाइट एंड क्ले, क्या होगा आंसर? ग्रेफाइट एंड क्ले। कौन सा मिट्टी याद रखेंगे, यह भी पूछा गया है, काओलिन क्ले याद रखेंगे। कौन सा मिट्टी, कौन सा क्ले, क्ले को हिंदी में कहते हैं मिट्टी, ठीक है ना। कौन सा मिट्टी, काओलिन मिट्टी, इज दैट क्लियर। कौन सा मिट्टी, काओलिन मिट्टी, ग्रेफाइट एंड काओलिन, यहां ध्यान रखेंगे, गलती नहीं करेंगे। कुछ लोग बिना पढ़े चले जाते एग्जाम में और बी आंसर मार के आते हैं इसका, मैं मजाक नहीं कह रहा हूं, ठीक है ना। मैक्सिमम जनता जो है बिना पढ़े जो जाती है वो लीड एंड ग्रेड ग्रेफाइट मार के आ जाती, ठीक है ना, या सिर्फ ग्रेफाइट होता तो भी आप फंस जाते, इस चीज को ध्यान रखिए। तो हमने पहले पेज पर सीखा कि पेंसिल का जो लीड होता है, नोक होती है, उसके अंदर क्या क्या होता है, ग्रेफाइट और काओलिन मिट्टी। ज्यादा काओलिन ज्यादा हार्डनेस, पेंसिल हार्ड होता चला जाएगा, ठीक है। अब आगे आते, आपको पता है ड्राइंग करते समय जो हम ड्राइंग वाली जो पेंसिल होती है, अब जरा सोचो पेंसिल बनाने वाले ने जो पेंसिल बनाई, ठीक है ना, पेंसिल बनाने वाले जो पेंसिल बनाई ड्राइंग के लिए, वो पेंसिल का क्रॉस सेक्शन जो होता है ना वो हेक्सागोनल का शेप का होता है। द क्रॉस सेक्शन ऑफ द ड्राइंग पेंसिल इज हेक्सागोनल इन शेप, कैसा बनाया, हेक्सागोनल का। ये देखो आप, देखो देखो देखो, बड़ी बात तो ये है, क्वेश्चन तो यहां ये है कि चलो ठीक है, ये एग्जाम में क्वेश्चन तो ये पूछा जाता है कि ड्राइंग पेंसिल जो यूज करते हैं उसका क्रॉस सेक्शन कैसा होता है, तो आंसर है हेक्सागोनल। क्या है, हेक्सागोनल, कैसा होता है, हेक्सागोनल इन शेप। बट बड़ी बात ये है कि सर हेक्सागोनल ही क्यों बनाया, राउंड पेंसिल बना देता, ऐसा बना देता, ऐसा भी तो बन सकता था सर, एकदम गोला बना देता, इसमें दिक्कत क्या थी।
तो मैं आपको बता दूं, जब ड्राइंग बोर्ड जो होता है ना, जिसके ऊपर ड्राइंग सीट रखते हो और आप पेंसिल से बनाते हो, वो सीधा ऐसे नहीं रखा होता है, वो थोड़ा सा टेढ़ा होता है, ठीक ना। वो कैसा होता है माय डियर? सीधा नहीं होता, वो हल्का सा टेढ़ा होता है, समझे। तो अगर आप राउंड पेंसिल बनाता तो वो क्या होता, खर्र से नीचे गिर जाता, पेंसिल आप रखते एक जगह और खर्र से भाग जाता आगे, होता कि नहीं होता। इसीलिए पेंसिल में एक रुकावट पैदा हो, पेंसिल थोड़ी देर रुके, जहां भी रखें वहां थोड़ी देर रखा रहे भैया, घिसक ना जाए, तो इसके लिए षडभुजाकार बनाया गया है। ये भी ध्यान रखिएगा, बहुत जरूरी चीज है, ठीक है ना। अब आइए बात करते हैं, तो पेंसिल का क्रॉस सेक्शन कैसा होता है? हेक्सागोनल आकृति का, हिंदी में षटभुजाकार भी कहते हैं, याद रखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। द क्रॉस सेक्शन ऑफ द ड्रॉइंग पेंसिल इज हेक्सागोनल इन शेप, रेलवे एग्जाम में भर भर के आया हुआ क्वेश्चन। देखिएगा ध्यान से, क्वेश्चन कह रहा है आरआरबी चंडीगढ़ सेक्शन इंजीनियर का क्वेश्चन में ये आया हुआ है। द ड्रॉइंग पेंसिल का क्रॉस सेक्शन इस प्रकार होता है, कौन सा? द क्रॉस सेक्शन ऑफ ए ड्रॉइंग पेंसिल इज ऑफ द शेप, क्या होगा? वर्गाकार, समषटभुज, गोलाकार एंड त्रिभुजाकार, स्क्वायर इन शेप, रेगुलर हेक्सागन, राउंड शेप एंड ट्राइंगुलर। कैसा होता है माय डियर? हेक्सागोनल, हेक्सागन, क्या होगा? रेगुलर हेक्सागन। अभी रेगुलर रेगुलर वर्ड क्यों जुड़ा है, ठीक है ना, ये समषटभुज सम वर्ड क्यों जुड़ा है, इसके लिए मैं एक क्लास और लूंगा। आप लोग इंजीनियरिंग ड्राइंग में है कि जहां हम आपको सारी चीजें पढ़ाने वाले हैं, कितने प्रकार के पॉलीगन्स होते हैं, ठीक है ना, हर चीज पढ़ाएंगे, उसके अंदर बताऊंगा मैं रेगुलर इरेगुलर क्या होता है, टेंशन मत लो, वहां भी समझ में आ जाए। आपको ये पकड़ना है हेक्सागन, हेक्सागन समषटभुज, ठीक है ना, ध्यान रखोगे, दैट इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, रेलवे का आया हुआ क्वेश्चन। कैसा होता है पेंसिल का क्रॉस सेक्शन? ये होता है हेक्सागोनल शेप का। पहला चीज क्या सीखे? ग्रेफाइट विद काओलिन क्ले। और दूसरा चीज क्या सीखे? कि काओलिन ज्यादा रहेगा तो कठोरता ज्यादा होगी, पेंसिल हार्ड होता चला जाएगा, ये भी क्वेश्चन है। तीसरा चीज क्या सीखे? पेंसिल का जो क्रॉस सेक्शन होता है वो कैसा होता है? हेक्सागोनल शेप का होता है। अब आइए बड़ी मजेदार चीज सिखाऊंगा, बड़ी मजेदार चीज सिखाऊंगा। उससे पहले आप सभी लोगों से एक ही चीज कहूंगा, वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, और आप लोगों का साथ रहा तो इंजीनियरिंग ड्राइंग आपके दिमाग में बैठा दूंगा, इसका प्रॉमिस करता हूं। ड्राइंग पेंसिल का जो क्रॉस सेक्शन होता है वो हेक्सागोनल आकृति का होता है, ये तो हम लोग समझ गए। इसकी लंबाई जो होती है 18 सेंटीमीटर की होती है। क्या आपको पता है, आप जो पेंसिल बाजार से खरीदते हो, एक दिन उसको स्केल से माप कर देखना, मीजर करके देखना, 18 सेंटीमीटर का। मैं ये नहीं कह रहा हूं परफेक्ट होगा, क्योंकि बनाने वाली कंपनी जो होती है हर चीज एक एक्यूरेट नहीं होगी, हो सकता है थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो, लेकिन ऑन एन एक्यूरेशन 18 सेंटीमीटर की पेंसिल की लंबाई होनी चाहिए। ये हमारा इंजीनियरिंग ड्रॉइंग कहता है कि एक पेंसिल की लंबाई 18 सेंटीमीटर होती है। कितनी होती है? 18 सेंटीमीटर। ये ध्यान रखिएगा, रेलवे का पूछा हुआ क्वेश्चन है कि पेंसिल की लंबाई कितनी होती है, दैट इज 18 सेंटीमीटर। द क्रॉस सेक्शन ऑफ द ड्रॉइंग पेंसिल इज हेक्सागोनल इन शेप एंड द लेंथ इज मेनली 18 सेंटीमीटर, यानी कि यहां से लेकर यहां तक 18 सेंटीमीटर का होता है। यस और नो, समझ में आ गई मेरी बात? हाँ बिल्कुल, मेरी आवाज एकदम पहुंच रही है, और आप लोगों का दिलों का बरसात जो हो रहा है कमेंट बॉक्स में, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, ठीक है। अब मैं यहां कह रहा हूं पेंसिल की लंबाई कितनी होती है? 18 सेंटीमीटर होती है सर। कोई बात नहीं सर, याद हो जाएगा। आगे आते हैं, इंजीनियरिंग ड्रॉइंग में ड्रॉइंग पेंसिल का सिलेक्शन ग्रेड के आधार पर किया जाता है, पेंसिल की लंबाई के आधार पर नहीं, सारी पेंसिल की लंबाई 18 सेंटीमीटर होती है। कितनी? 18 सेंटीमीटर की। अभी आपको 2 मिनट के अंदर यह भी याद हो जाएगा, अभी आप मेरे को 2 मिनट दीजिए, अभी अभी समझ में आ जाएगा। इंजीनियरिंग ड्राइंग में पेंसिल का सिलेक्शन किसके आधार पर करते हैं? ग्रेड के आधार पर। सर कैसे? अरे यार याद करो ना, जब आप किसी मार्केट में जाते हो, जैसे मान लो आप स्केचिंग करते हो, लेट अस सपोज बहुत सारे लोग अपनी ड्राइंग करते हैं, या आप अपनी मान लो इंजीनियरिंग ड्राइंग के लिए ही मार्केट में जाते हो पेंसिल खरीदने, तो आप क्या कहते हो? भैया HB पेंसिल देना, भैया 2H पेंसिल देना, एक H पेंसिल देना, एक HB देना और एक 2H देना, क्या कहते हो? ये वर्ड क्या है सर? ये है ग्रेडिंग। पेंसिल के ऊपर लिखा हुआ होता है क्लियरली ये क्या है। जैसे देखो ये पेंसिल है, हाँ सर, अब देखो यहां ध्यान से देखो माय डियर,
आप यहां ध्यान से देखो पेंसिल के ऊपर क्या लिखा है, उसकी ग्रेडिंग लिखी है। तो पेंसिल को किस भाग से बांटा जाता है, उसकी ग्रेडिंग से। इन द इंजीनियरिंग ड्राइंग, ड्राइंग पेंसिल आर सिलेक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ ग्रेड। आपसे क्वेश्चन पूछा गया है पेंसिल को किसके हिसाब से खरीदा लिया जाता है, उसकी ग्रेडिंग से। देखो क्वेश्चन पूछा गया है आपसे एग्जाम में, इंजीनियरिंग ड्राइंग में ड्राइंग पेंसिल का सिलेक्शन निम्न में से किस आधार पर किया जाता है। ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग बेसिस इज द सिलेक्शन ऑफ ड्राइंग पेंसिल डन इन इंजीनियरिंग ड्राइंग। क्या पेंसिल का सिलेक्शन किस आधार पर किया जाता है, किस आधार पर किया जाता है पेंसिल का सिलेक्शन? तो आप देखेंगे लंबाई के आधार पर, नहीं सर। चौड़ाई के आधार पर, अरे बिल्कुल नहीं सर। ग्रेड, हाँ पेंसिल की ग्रेडिंग की जाती है। तो हमारा आंसर क्या होगा, ऑप्शन, अच्छा चलो ऊपर नीचे हो गया कोई बात नहीं, एबीसीडी को, आंसर क्या होगा, ग्रेड। यहां देखो ध्यान से, हमारा आंसर क्या होगा माय डियर, ग्रेड। क्या होगा, ग्रेडिंग, ठीक है ना। पेंसिल को किस आधार पर सिलेक्ट किया जाता है, उसकी ग्रेडिंग के आधार पर। एक पेंसिल की लंबाई कितनी होती है, 18 सेंटीमीटर होती है। ध्यान रखिएगा मेरे भाई, अभी आपको सारा चीज सीक्वेंस मैनर में याद करा दूंगा एक बार और, ठीक है ना। तो बहुत ही सटीक सटीक टॉपिक पढ़ा रहा हूं और बहुत ही सरल लैंग्वेज में समझा रहा हूं। आप मेरी इन सारी चीजों को ध्यान से सुन लिए और इनको अपने दिमाग में बैठा लिए तो इतना याद रखना मेरे दोस्त, रेलवे एग्जाम हो चाहे कोई भी एग्जाम हो, आप एग्जाम में बैठोगे, आपके सामने क्वेश्चन होगा और आपको आंसर याद आ जाएगा। इतना ध्यान रखना, आपको एक्स्ट्रा कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। द क्रॉस सेक्शन ऑफ ड्राइंग पेंसिल क्या होता है, हेक्सागोनल का, लेंथ क्या होती है 18 सेंटीमीटर की। इंजीनियरिंग ड्राइंग में ड्राइंग पेंसिल का सिलेक्शन कैसे करते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ ग्रेड, ऑन द बेसिस ऑफ ग्रेड। इंजीनियरिंग ड्राइंग ड्राइंग पेंसिल का सिलेक्शन ग्रेड के आधार पर किया जाता है। आई होप कि आपको समझ में आ गया हो। एक और मजे की बात बताऊं, एक और मजे की बात बताऊं, क्या सर पेंसिल की लंबाई कितनी होती है, 18 सेंटीमीटर। आपको पता है ग्रेड के आधार पर, ग्रेड के आधार पर पेंसिल को 18 टाइप में बांटा गया है। कितने टाइप के होते हैं पेंसिल, 18 टाइप के पेंसिल होते हैं। ओ माय गॉड, याद करने में तो और आसान है, 18 सेंटीमीटर की पेंसिल होती है और 18 टाइप का पेंसिल होता है। अरे ये तो बड़ा आसान याद हो जाएगा, कोई अलग से कुछ वर्ड याद नहीं करना है। ग्रेड के आधार पर पेंसिल टोटल 18 टाइप का होता है। वैसे तो 3 टाइप में बांटा गया है लेकिन एक टाइप में 6 पेंसिल होता है तो टोटल 18 पेंसिल हो गया। ध्यान रखिएगा, बहुत ही मजेदार, ठीक है ना। अभी मैं आपको वो भी दिखाता हूं, ठीक है, एक सेकंड। ये देखो, 3 टाइप से, ग्रेड के आधार पर 3 टाइप का पेंसिल होता है, हार्ड पेंसिल, मीडियम पेंसिल, सॉफ्ट पेंसिल, ठीक है ना। ध्यान रखेंगे 3 टाइप का नेचर होता है पेंसिल का, हार्ड पेंसिल, सॉफ्ट, मीडियम पेंसिल और सॉफ्ट पेंसिल। अब गिन लो, उंगली से गिन लो, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 1, 2, 3, 6, 18, ठीक है ना। ध्यान रखिएगा, हार्ड पेंसिल 6 होता है, मीडियम पेंसिल 6 होता है, सॉफ्ट पेंसिल 6 होता है। तो याद करना कितना आसान है हमारे लिए, है कि नहीं। मैं अभी आपको इस पेज पे दोबारा आऊंगा, वेट करिएगा। तो मैंने आपको क्या बताया, पेंसिल की लंबाई 18 सेंटीमीटर होती है और टोटल पेंसिल जो होता है 18 ही होता है। तो याद करना आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। चलिए अब और आगे लेकर चलता हूं। आपको मैंने अभी अभी बताया कि एक पेंसिल का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट क्या होता है, मुख्य भाग क्या होता है, उसका लीड, उसका लीड। तो ध्यान रखिएगा, पेंसिल का मुख्य भाग क्या होता है, लीड, उसका लीड। ये लीड मटेरियल नहीं है, इसको कहते हैं लीड, ठीक है ना। अब बिहार में कई जगह पेंसिल को ऐसे ही कहते हैं कि लीड दीजिएगा जरा लिखना है, ठीक है। तो ये आप लोगों को कहीं कहीं आपको कनेक्शन मिल रहा होगा, कहीं कहीं कहते हैं ये, लैंग्वेज में कहते हैं, ठीक है ना। ये कहीं कहीं नहीं, ये हम तो अपने ही इलाके की बात बता रहे हैं। उधर कहते हैं कि लीड देगा जरा जरा लिखना है। अब तो पेन कहने लगे, पहले लीडे कहते थे, ठीक है ना, कि लीड नहीं है, मेरा लीड खो गया है। लीड मतलब पेन, पेंसिल, ये वर्ड यूज करते थे। अगर आप लोग कनेक्ट कर पा रहे हो इस बात को तो एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि आपके यहां भी कहते हैं क्या, ठीक है ना। वैसे लीड जो होता है उसके आगे जो ये निकला रहता है, ये वाला पार्ट होता है लीड, जिससे हम लोग लिखते हैं। तो पेंसिल का मुख्य भाग क्या होता है माय डियर, लीड होती है। और लकड़ी के, लकड़ी जो होती है लीड को सपोर्ट करने के काम में आती है। ये लकड़ी है, ये क्या है, वुड है, ये वुड है माय डियर, ये वुड है, लकड़ी,
ये लकड़ी जो होती है वो लीड को क्या करती है, सपोर्ट करती है, चारों तरफ से पकड़ के रखती है, ठीक है ना। द मेन पार्ट ऑफ द पेंसिल इज लीड, मेन पार्ट क्या है, लीड है, ठीक है ना। एंड द वुड इज यूज टू सपोर्ट द लीड। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा इनमें से पेंसिल का मेन पार्ट कौन है, मुख्य भाग कौन है, तो आप आंसर करोगे लीड। यहां लीड मटेरियल मत बोलना, ये लीड का मतलब ये नाम है इसका, लीड, ठीक है ना। अब देखिए ध्यान से, लकड़ी जो होती है लीड को क्या करती है, सपोर्ट करती है। ये भी क्वेश्चन पूछा जाएगा कि एक पेंसिल के अंदर वुड का क्या यूज होता है, तो टू इज यूज्ड टू सपोर्ट द लीड, इज यूज्ड टू सपोर्ट द लीड, पेंसिल के लीड को सपोर्ट करती है, उसको क्या करती है, सपोर्ट करने के काम में आती है। मैंने आपको बताया ये लीड किस चीज का बना होता है, तो सर लीड में ग्रेफाइट और काओलिन मिट्टी होती है। अरे वाह क्या मजा आ गया सर, एक बार और आपको बता दूं, मैंने आपको क्या क्या बताया, आप लोग भी दोहराते चलोगे अपनी क्लास में। मैंने आपको क्या क्या बताया, पेंसिल के अंदर लीड होती है मुख्य भाग, मेन पार्ट कौन है, लीड, पेंसिल का नोक लीड, पेंसिल के लीड में ग्रेफाइट और काओलिन मिट्टी होती है। अरे वाह, अगर काओलिन मिट्टी की मात्रा बढ़ी तो पेंसिल कठोर होता चला जाएगा, हाई हार्डर, हार्डनेस उसकी बढ़ती चली जाएगी। इसके बाद मैंने बताया पेंसिल का जो क्रॉस सेक्शन होता है, पेंसिल को जो काटोगे तो पेंसिल दिखता ऐसा है, देखो किस भूगा क्या क्या आकृति होती है, क्या होता है क्रॉस सेक्शन, हेक्सागोनल, हेक्सागोनल होता है। माय डियर ध्यान रखोगे, पेंसिल का सिलेक्शन जो करते हैं वो ग्रेड के आधार पे करते हैं, और एक पेंसिल की लंबाई सामान्यतः 18 सेंटीमीटर होती ही होती है, और ग्रेड के आधार पे 18 टाइप की पेंसिल भी खोली गई है। ध्यान रखेंगे तीन टाइप का पेंसिल था जिसमें हम लोग हार्ड पेंसिल, मीडियम पेंसिल और सॉफ्ट पेंसिल पढ़ते हैं। एक पार्ट में 6 पेंसिल होता है, हार्ड पेंसिल, कठोर पेंसिल, मीडियम पेंसिल, मध्यम पेंसिल और सॉफ्ट पेंसिल, कोमल पेंसिल, ये तीन टाइप में आटे गए हैं, और तीनों में 6-6 पेंसिल, टोटल 18 टाइप के पेंसिल हैं। अभी इसके बारे में बात करेंगे, उससे पहले मैंने यहां आपको बताया मुख्य भाग होता है लीड, और वुड जो होता है, लकड़ी जो होता है, उस लीड को सपोर्ट करने के काम में आता है। इसके बाद दो पार्ट आते हैं, ग्रेफाइट और काओलिन, कौन आता है, ग्रेफाइट और काओलिन, ध्यान से सुनिएगा, क्लियर है। अब आगे बढ़ते हैं, बड़ी अच्छी बात है, बड़ा ही मक्खनदार टॉपिक चल रहा है ये, अगर आपने पढ़ लिया तो भाग्य खुलने वाले हैं, इज दैट क्लियर। अब आगे आइए, काओलिन की मात्रा बढ़ने से पेंसिल कठोर होती है, ये मैंने आपको पहले लाइन पहले पेज पे ही बता दिया था, एक पेंसिल के लीड में दो चीजें मिली होती हैं, क्या क्या, ग्रेफाइट और काओलिन। काओलिन बढ़ाओगे पेंसिल कठोर होगा, इंक्रीज द अमाउंट ऑफ काओलिन मेक द पेंसिल हार्डर, ये आपसे क्वेश्चन पूछेंगे, ठीक है ना, आपको ये बस दिमाग में रखना है। हमने पहले ही पेज बता दिया था कि काओलिन की मात्रा बढ़ने से पेंसिल कठोर होती है, काओलिन की मात्रा अगर बढ़ाओ कठोर होगी, और घटाओगे तो नर्म हो जाएगी, तो काओलिन की मात्रा घटाने से पेंसिल सॉफ्ट हो जाती है। अरे वाह सर, तीन टाइप की पेंसिल आपने बताया था, हार्ड, मीडियम, सॉफ्ट, काओलिन की मात्रा इसमें क्या होगी, हार्ड पेंसिल में ज्यादा होगी, सॉफ्ट पेंसिल में काओलिन की मात्रा कम होगी, और मध्यम में सर, मध्यम की बात करते हैं, काओलिन की मात्रा मध्यम रखने से पेंसिल मीडियम ग्रेड की होती है। अरे वाह, इंक्रीज द अमाउंट ऑफ काओलिन मेक द पेंसिल हार्डर, इन बाय रिड्यूसिंग द अमाउंट ऑफ काओलिन पेंसिल सॉफ्टर, बाय कीपिंग द अमाउंट ऑफ काओलिन मॉडरेट द पेंसिल इज ऑफ मीडियम ग्रेड, ठीक है ना, मध्यम रखोगे तो मीडियम, ज्यादा रखोगे हार्डर, कम रखोगे सॉफ्टर। अरे वाह क्या बात है, मजा आ गया, आया कि नहीं आया। अगर आप सभी लोगों को मेरी ये क्लास समझ में आ रही है, एक बार कमेंट बॉक्स में फायर जरूर लिख दीजिएगा, ठीक है ना। और एक चीज और कहना चाहूंगा कि आप लोगों के इस भरपूर प्यार से बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोगों का इतना सपोर्ट बहुत बहुत अच्छा लगा मुझे, कि आप लोगों को बताना चाहूंगा, शेयर करना चाहूंगा, क्योंकि ये आप ही लोग का किया धरा है, कि पिछले एक दिन में 100 से ज्यादा लोग इस चैनल के साथ जुड़े हैं, ठीक है ना, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करते रहें और शेयर करते रहें जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके। मैं आपको अपनी पूरी जान लगा के कंटेंट देता जा रहा हूं, और सारी चीजें आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है, ध्यान रखिएगा, इसके लिए बच्चे पे करते हैं,
ठीक है ना, लेकिन ये मैं आपको फ्री दे रहा हूं, ठीक है। और इतना बेहतरीन कंटेंट जिसके अंदर आप देखो टॉपिक के जस्ट बाद क्वेश्चन है, ठीक है ना। इसको बनाने में टाइम लगता है कि टॉपिक के जस्ट बाद क्वेश्चन है, इस चीज को ध्यान रखिएगा। बहुत ही बेहतरीन तरीके से मैंने सजा के आपके लिए फोटो पिक्चर इन सब का इस्तेमाल करते हुए मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं, और मेरा मानना है कि आपको समझ में भी आता होगा, क्योंकि जानते हो ये बनाने के बाद ये मैं ऐसे बनाता हूं कि मुझे समझ में आ जाए, ठीक है ना। मतलब मैं अपने आप को ऐसे समझता हूं, मेरे को कुछ नहीं आता, अब मेरे को समझाओ, तो इस पीपीटी से ये जो मैं बनाता हूं इससे आपको सब समझ में आ जाए। एक बार आप पढ़ लोगे खट से समझ में आ जाएगा, ऐसा बना देता हूं, ठीक है ना। ध्यान रखिएगा, बड़ा ही मजेदार टॉपिक है। अब हम बात कर रहे हैं, तीन प्रकार की पेंसिल होती है, हार्ड पेंसिल, मीडियम पेंसिल और सॉफ्ट पेंसिल। हार्ड पेंसिल में क्या होगा, काओलिन की मात्रा ज्यादा होगी, द अमाउंट ऑफ काओलिन इज इंक्रीज, पेंसिल इज हार्डर। अमाउंट ऑफ काओलिन इज डिक्रीज, पेंसिल इज सॉफ्टर। काओलिन की मात्रा कम होगी, पेंसिल नर्म होगा, सॉफ्ट होगा। ध्यान रखिएगा, ये पेंसिल की लकड़ी की बात नहीं हो रही है, उसके लीड की बात हो रही है। मेरे भाई आप जो ग्रेड चेंज करते हो ना पेंसिल का, HB, H2H, 3H, B, 2B, ये सब लीड पे होता है, लकड़ी में कोई चेंज नहीं होता है, इस चीज को ध्यान रखना, ठीक है ना। लकड़ी तो लकड़ी है, बस उसका काम है सपोर्ट करना। यहां ये क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा कि किस लकड़ी से होता है, ऐसा कुछ नहीं। अब बात करते हैं हार्डर। सर ये बताने से पहले कि पेंसिल के टाइप में इतने सारे नाम कहां से आ गए, ये बताने से पहले मैं एक छोटी सी बात और करना चाहूंगा कि आपने एचबी पेंसिल बहुत देखी, एचबी पेंसिल बचपन से ही यूज कर रहे थे, ठीक है ना, एचबी पेंसिल आपने बहुत देखी, ठीक है ना। और आज की वीडियो में शुरुआत में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि क्या आप जानते हो हम एचबी पेंसिल ही क्यों यूज करते हैं, उसका जवाब तो मैं अभी थोड़ी देर बाद देने वाला हूं, आप लोग बने रहिएगा वीडियो में। मैं आपको बता दूं एचबी का फुल फॉर्म क्या होता है, एच का मतलब होता है हार्ड और बी का मतलब होता है ब्लैक, एचबी। एचबी पेंसिल में एचबी का फुल फॉर्म होता है हार्ड ब्लैक, हार्ड एंड ब्लैक, एचबी। एचबी का मतलब हो गया हार्ड एंड ब्लैक, बिल्कुल ठीक है। मैं अभी आप लोगों के कमेंट नहीं पढ़ रहा हूं, क्योंकि मुझे पता है आगे चल के आप लोग इस क्लास से पढ़ने वाले हो, और यहां जो है बीच में अगर मैं आपके कमेंट पे ध्यान दूंगा तो पढ़ा नहीं पाऊंगा। मैं आपसे कमेंट पे बात जरूर करूंगा एट द एंड ऑफ क्लास, ठीक है ना। जब भी मैं क्वेश्चन पूछूंगा मैं आपको जरूर देखूंगा, मैं लेकिन आपके सारे कमेंट देख रहा हूं माय डियर, ठीक है ना। सर आपका टेलीग्राम चैनल क्या है, आप जब इस चैनल के उसमें जाओगे, चैनल पे जाओगे, चैनल को ओपन करोगे, चैनल को सब्सक्राइब करोगे और चैनल के अबाउट में जाओगे तो वहां मेरा सारी चीजें अवेलेबल है, टेलीग्राम का लिंक आप उसको क्लिक करके सीधे ज्वाइन कर सकते हो। हालांकि आलोक झा कॉन्सेप्ट ये है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो ग्रेड्स ऑफ पेंसिल के अंदर एचबी पेंसिल का फुल फॉर्म क्या होता है, आपको पता चल गया, बिल्कुल सर पता चल गया, एच का मतलब हार्ड, बी का मतलब ब्लैक। अब देखिए पेंसिल कुछ इस टाइप से, ठीक है, पेंसिल जो होता है, अगर आपको 18 टाइप लिखना है ना तो मैं आपको एक तरीका बताता हूं, एचबी उसके बगल में एफ और फिर लेफ्ट और राइट लिखते चले जाओ। मैं आपको दिखाऊं कैसे, देखो मैं आपके सामने लिखूंगा, मेरे को ध्यान से देखिएगा, एचबी एफ, देखो ये दोनों लिख दिया। अब ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे कि एचबी और एच, मैंने एचबी और एफ लिखा, F क्या होता है थोड़ी देर बाद बताता हूं, ऐसे फाइन पेंसिल का नाम होता है, क्या फाइन, F फॉर फाइन, ठीक है ना। अब देखो H किधर है, बहुत ध्यान से देखिएगा, ट्रिक है ये, H किधर है सर, इधर है, और B किधर है सर, इधर है सर, समझ गए, H इधर है और B इधर है, तो आपको क्या करना है, इधर B B B B खेलना है, और इधर क्या करना है, इधर आपको H H H H खेलना है, ठीक है ना। लेकिन सर कितना, लेकिन सर कितना, आप क्वेश्चन तो यही है ना, कितना तक चलें सर ये तो बताइए। तो हमने आपको अभी क्या बताया था, हमने आपको बताया था टोटल 18 टाइप का होता है, 18 टाइप का होता है, हाँ सर। अब ध्यान से सुनिएगा, एच बी और एफ,
ठीक है ना, ये तो दो हो गया, इधर सात तक जाता है, इधर नौ तक जाता है, ठीक है ना। देखिए ध्यान से, ये सात तक जाएगा, बी टू बी थ्री बी फोर बी ऐसे करके सेवन बी तक जाएगा, फाइव बी सिक्स बी सेवन बी, कितने भैया टोटल सात तक। और इधर कितना आएगा गुरु जी, इधर आएगा नौ तक, इधर कितना आएगा नौ तक आएगा गुरु जी। ध्यान से देखिए, एच टू एच, एच का मतलब वन एच, ठीक है ना, टू एच थ्री एच फोर एच फाइव एच सिक्स एच सेवन एच एट एच नाइन एच। अब मेरे प्यारे भाइयों, आप लोग एक बार इसको काउंट कर लो, एच बी से इधर, ठीक है ना, ध्यान से सुनिएगा, एच बी में एच इधर है तो इधर और बी इधर है तो इधर, ये इसी सीक्वेंस में लिखना। अभी मैं आपको एक ट्रिक देने जा रहा हूं, अभी मैं आपको एक झटका सा ट्रिक दूंगा और तुरंत आपको समझ में आ जाएगा, फिर आप कहोगे कि अरे सर आपने तो बताया ही नहीं, ऐसा भी होता है। अरे आप देखो, ध्यान से देखो, बी इधर लिखा है, बी इधर लिखो, एच लिखा है, इधर लिख दो, लिख दिया, हाँ सर लिख दिया ना, हाँ सर, काउंट करो जरा, सात तो ये हो गए, आठ नौ और इधर नौ, देखो ध्यान से, अठारह हो गए ना, काउंट कर लो, देखो ये सात और ये दो नौ और यहां से यहां तक नौ है, तो नौ नौ अठारह, कितने प्रकार के हैं, अठारह। याद करो, मैंने अभी अभी आपको बताया, ये अठारह तीन भाग में टूटे हुए, छह छह और छह, हाँ या ना, बताया था ना, हार्ड मीडियम सॉफ्ट। तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा, बताओ कौन सा हार्ड है, कौन सा मीडियम, कौन सा सॉफ्ट, तो आपको बिल्कुल टेंशन मत लेना, आपको मैंने एक और चीज बताया, देखो ध्यान से, 18 को तीन भाग में तोड़ने को कहा मैंने, 6 6 और 6, मैंने आपको एक ट्रिक, एक चीज बताया, क्या हार्ड, हार्ड होता है फिर मीडियम होता है फिर सॉफ्ट होता है, अच्छा चलो वो भी छोड़ो, मैंने आपको HB का फुल फॉर्म क्यों बताया, मेरा शौक हो रहा था, नहीं मुझे ये पढ़ाना था, मुझे कोई शौक नहीं है फालतू बोलने का। HB का फुल फॉर्म होता है, H का मतलब होता है हार्ड और B का मतलब होता है ब्लैक, समझ गए, बी टू बी थ्री बी फोर बी फाइव बी सिक्स बी सेवन बी, ये क्या है, ब्लैक होता जा रहा है, इधर के पेंसिल ज्यादा गाढ़े होते हैं, क्या होते हैं, गाढ़े होते हैं। एच का मतलब हार्ड, जो पेंसिल हार्ड होता है, जो पेंसिल हार्ड होता है वो हल्का चलता है, एकदम हल्का चलता है, ठीक है ना, एच टू एच ये हार्ड बढ़ता चला गया, देखो हार्ड और सॉफ्ट। सो माई डियर, यहां मेरा एक छोटा सा क्वेश्चन है, बता दो फटाक से, एच का मतलब अगर हार्ड है और बी का मतलब ब्लैक है, ठीक है ना, अब एक चीज बताओ, सबसे ज्यादा हार्ड पेंसिल कौन सा है, सबसे ज्यादा हार्ड पेंसिल कौन सा है, अरे सर हार्ड तो इधर है, एच 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 हार्ड 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 हार्ड, एक हार्ड दो हार्ड तीन हार्ड चार हार्ड पांच हार्ड, सब नौ हार्ड, सबसे कठोर पेंसिल, सबसे हार्ड पेंसिल क्या होती है, 9H, 9H जो होती है सबसे हार्ड पेंसिल होती है। यहां मैं आ जाऊं फटाक से इस साइड कूद के कि ये बताइए, ठीक है ना, ये देखिए ध्यान से, इधर क्या है, ब्लैक 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 ब्लैक, और ब्लैक जो पेंसिल होता है वो सॉफ्ट होता है, ठीक है ना, अगर इधर हार्ड है तो उसका उल्टा क्या है, सॉफ्ट, तो सबसे सॉफ्ट पेंसिल कौन सा हो गया, 7B, 7B सबसे सॉफ्ट, याद रखना 7B सबसे सॉफ्ट, मतलब सबसे, ऐसा नहीं है कि ये चार पूछा तो इसमें से सॉफ्ट नहीं हो सकता, लेकिन यहां है सबसे सॉफ्ट कौन सी होती है, तो 7B, और सबसे हार्ड कौन सी होती है, तो 9H। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है सर ये भी आ गया, सर आप कुछ कह रहे थे 6-6 बांटा है, हाँ बेटे वो भी बता देता हूं, लो ट्रिक, ये जुगाड़ है, मैंने आपसे कहा एक पेंसिल के छह प्रकार होते हैं, इधर से छह आओ, एक दो तीन, ध्यान से बहुत बहुत ध्यान से, अभी से बोल रहा हूं बहुत ध्यान से, एक दो तीन चार पांच छह, बना दिया, एक पेंसिल छह प्रकार के होते हैं ना, एक टाइप, फिर इधर 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 से आए थे, एक दो तीन चार पांच छह हो गया, अब इधर से आओ सबसे हार्ड से, एक दो तीन चार पांच छह, और इस तक ना, तीन तीन छह। अब मेरे को आप बताओ, बहुत ध्यान से समझ के बताओ कि
इधर वाली पेंसिल क्या थी? सबसे हार्ड 9H क्या है? सबसे हार्ड। तो ये वाली पेंसिल किस कैटेगरी में आती है? हार्ड पेंसिल। इसमें हार्ड पेंसिल। और H7B सबसे सॉफ्ट है, तो इधर से 6 सॉफ्ट पेंसिल के, सॉफ्ट पेंसिल में आएगी। समझ गए मेरी बात? सर ये बीच में जो है ई का है। तो चिंटू बड़े ही ध्यान से सुनिएगा। अरे ओ चिंटू जी सर, 1 2 3 4 5 6 का है सर, यही तो है जिसका तलाश था। मीडियम पेंसिल है। क्या है? मीडियम पेंसिल। समझ में आ रही मेरी बात? तो आपको कुछ रट्टा मारने की जरूरत नहीं है कि सर यहां ऐसे लिखा है, सर सर यहां ऐसे ऐसे बना हुआ है, हम कैसे याद करेंगे? कुछ याद करने की जरूरत, जुगाड़ ट्रिक हैक जो समझो दिमाग में घुस गया ना, खत्म खेल। एग्जाम में लग जाएगा ना टिक, हाँ सर खेल खत्म। अब आपसे पूछेगा, ध्यान से देखिएगा, एच का मतलब हार्ड, बी का मतलब ब्लैक, ब्लैक वो होता है जो सॉफ्ट होता है। अब ध्यान से समझने की कोशिश करना, तीन पार्ट के हो गए पेंसिल, हार्ड पेंसिल, मीडियम पेंसिल, सॉफ्ट पेंसिल। क्या आपको याद रखना पड़ा ना? क्या आपको एग्जाम में याद रखने की जरूरत है ना? ये बताओ, एग्जाम में आपको ये दो बातें तो हमेशा याद रहेंगी, क्या सबसे हार्ड क्या याद रहेगा? सबसे हार्ड, सबसे हार्ड, सबसे ज्यादा हार्ड पेंसिल, सबसे सॉफ्ट पेंसिल, ये तो याद रहेगा ना? सबसे सॉफ्ट पेंसिल, ठीक है। आई थिंक ये कलर दिख रहा है, कलर नहीं दिख रहा तो हम कलर चेंज, माफ कीजिएगा, ये कलर आपको शायद ना दिख रहा, ठीक है अब दिख रहा होगा। सबसे सॉफ्ट और सबसे हार्ड, ई तो याद रहेगा ना? हाँ सर, ये तो याद रखना पड़ेगा। सबसे हार्ड 9H, सबसे सॉफ्ट 7B, याद रहेगा? हाँ सर। तो ये बताओ कैसे लेकर गए? सबसे सॉफ्ट पेंसिल बदलता, सबसे सॉफ्ट सर 7B, सबसे हार्ड 9H, और बीच में क्या होता था? एक होता था HB और एक होता था F। क्या यार अब आप इसके बीच में कुछ नहीं बना पाओगे? अरे सर B इधर जा रहा है, यानी कि B 2B 3B 4B 5B 6B बना तो लोगे। F की इधर आ गए, H आ रहा है, H तो H 2H 3H 4H 5H 6H 7H 8H 9H। फिर आपसे क्वेश्चन पूछा, बताओ सबसे हार्ड कौन सा है? तो आप बताओगे, ये तो याद है, सबसे सॉफ्ट 7B और सबसे हार्ड 9H। अभी बताओ कौन से 6 पेंसिल सॉफ्ट हैं? 1 2 3 4 5 6। अगर आप लोगों को मेरी ट्रिक से याद हो रहा हो तो, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना मेरे भाइयों, सपोर्ट करने की आपकी बहुत जरूरत है। 3 और 3 6 मेरे भाइयों, ध्यान से सुनो, आप कंटेंट का मजा लेते जाओ, मैं आपको देता जा रहा हूं कंटेंट। लो भैया इतना बेहतरीन कंटेंट, लो भैया ये तीन आ गया, 6 आपको याद हो गया? जी सर याद हो गया, यही तो था, हो गया याद मेरे भाइयों, याद हो गया। एक बार अगर याद हो गया तो कमेंट बॉक्स में एक बार मेरे भाइयों लिख दोगे फायर, मेरे भाइयों फायर जरूर लिख दोगे कमेंट बॉक्स में। मुझे पता है कि आप सभी मुझे प्यार कर, मुझे पता है कि आप सभी को सारी बातें समझ में आ रही हैं, मुझे ये भी पता है कि आपको मेरा पढ़ाया हुआ आपके दिमाग में छप जाता है। पूरे दिन भर आप किताब मत खोलो, आपके ऐसे ही कोई पूछ देगा कि बताओ रे चिंटू सबसे हार्ड पेंसिल बता दे 9H, और सबसे सॉफ्ट पेंसिल 7H। गिनती सर, इसको कुछ याद कराने का ट्रिक है तो, लेकिन रहने दो, ट्रिक तो है मेरे पास, तुमको तो पता ही है मेरे पास हर चीज का जुगाड़ होता है, जुगाड़ है, हाँ है। देखिए कहने का मकसद तो यही है, याद करा दें तो सर देखिएगा गिनती, देखिए याद करा ही देता हूं, अब आप लोग कह दिया है तो करा ही देता हूं। 0 से लेकर 9 तक ही तो गिनती होती है, बाकी तो इनके सम्मेलन से बनता है,
अरे 10 लिखोगे तो एक और जीरो आएगा, ये दोनों तो जीरो से नौ के बीच में ही होता है ना, 11 लिखोगे तो एक पे एक आएगा, अरे तुम कोई भी संख्या लिखोगे तो जीरो से नौ के बीच से ही तो आता है। हाँ सर, तुम यही तो लिखते हो, जीरो एक दो तीन चार पांच छह सात आठ नौ, कोई भी संख्या लिखते हो इसी के बीच से आता है। हाँ सर, पेंसिल में जो सबसे हार्ड और सबसे सॉफ्ट होता है ये ऑड नंबर में होता है, विषम संख्या में। सबसे हार्ड तो सबसे बड़ा विषम संख्या जीरो से नौ में नौ होता है, तो आपको 9H याद रखना है, सबसे हार्ड होता है। उससे छोटा विषम संख्या कौन है? सर उससे छोटा विषम संख्या सात है, वो होता है सबसे सॉफ्ट, 7B सबसे सॉफ्ट। आपको 9H और 7B याद हो गया, खेला खत्म। HB और F, सर F क्या है? F होता है फाइन पेंसिल। क्या होता है? फाइन पेंसिल, जो मैं आपको पढ़ाऊंगा, इसके आगे पढ़ाऊंगा सारी पेंसिल के प्रकार, सारी चीज यूज सब पढ़ाऊंगा, टेंशन मत लो। एफ होता है फाइन पेंसिल, फाइन का मतलब एकदम पतला होगा, एकदम नुकीला पेंसिल होगा, वो बताऊंगा। तो आपको विषम संख्या पे चलना है, सबसे बड़ी और उससे छोटी, सबसे बड़ी सबसे हार्ड, उससे छोटी कम। अब मैं एक छोटा सा क्वेश्चन आप सभी से पूछता हूं, आप लोग घर बैठे जवाब जरूर दीजिएगा, और अगर आपने इस चीज का जवाब दे दिया तो आप समझ लीजिएगा आज की क्लास आपको पूरी तरीके से दिमाग में छप चुकी है। मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूं, बड़े ध्यान से सुनने की कोशिश कीजिएगा मेरे भाइयों, बड़े ही ध्यान से। इधर ये सारे हार्ड पेंसिल हैं, हाँ सर, क्या आप मुझे बता सकते हो इनके अंदर किसकी मात्रा ज्यादा है, काओलिन की या ग्रेफाइट की? किसकी मात्रा ज्यादा है, काओलिन की या ग्रेफाइट की? याद करो, पहले पेज पे ही पढ़ाया था, किसकी मात्रा ज्यादा है, किसकी मात्रा ज्यादा है मेरे भाइयों? मेरे भाइयों ये बताओगे, एक बार सेशन को यार लाइक कर दो सभी लोग, अगर आपको ये बात पता है एक बार फटाफट सेशन को लाइक कर दो, यानी कि आपको मेरी क्लास समझ में आ गई। अगर नहीं आई तो कोई जरूरत नहीं है लाइक करने की, मुझे ईमानदारी चाहिए और मैं चाहता हूं कि मेरा ये वीडियो हर बच्चे तक पहुंचे, ठीक है, और इसमें सिर्फ आप ही मदद कर सकते हो, ठीक है। और जल्दी से जल्दी अपना टारगेट है कि हम लोग 1000 सब्सक्राइबर तक पहुंच जाएंगे, ठीक है। तो आप जल्दी से जल्दी चैनल को शेयर करो और इतने अच्छे कंटेंट को प्यार दो, ठीक है। ध्यान रखना, आपका अपना समय बहुत कीमती है, इस समय को आप बर्बाद मत करो। इधर सबसे ज्यादा क्या होगा, किसकी मात्रा? काओलिन की मात्रा। अरे बाबा, यस, देखो बच्चा क्या बोला कि सर फायर तो आप बोलते ही हो और आप पढ़ा फ्री में रहे हो, तो फायर नहीं रे बाबा, फ्री फायर। अरे भाई साहब, कहां से दिमाग लाते हैं ये बच्चे, मैं क्या ही बताऊं, ठीक है ना। इधर सबसे ज्यादा हार्ड हो रहा है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है माय डियर, पेंसिल में काओलिन की मात्रा ज्यादा है। अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूं, इधर पेंसिल सॉफ्ट हो रहा है, बताओ किसकी मात्रा ज्यादा है? सर इधर काओलिन ज्यादा है तो इधर ग्रेफाइट ज्यादा है। क्या बात कर दी सर, ये तो दिल को छू गई, ये सारी चीजें याद हो गई। आज के बाद अगर मैं पेंसिल देखूंगा तो पेंसिल को देखते ही समझ जाऊंगा कि ए पेंसिल, मान लो मेरे हाथ में पेंसिल है, मैं पेंसिल से बातें करूंगा, ए पेंसिल बहुत ध्यान से सुनिएगा, तू 18 सेंटीमीटर का है रे, नई नई पेंसिल, नया पेंसिल की बात कर रहा हूं, ए पेंसिल तू 18 सेंटीमीटर का है रे, तेरा क्रॉस सेक्शन हेक्सागोनल है, षटभुजाकार, तेरा क्रॉस सेक्शन हेक्सागोनल है रे, तू 18 टाइप का होता है, वैसे तो तू तीन पार्ट में बटा है, हार्ड मीडियम सॉफ्ट, तू 18 टाइप में आ जाता है, 18 सेंटीमीटर का और 18 टाइप में बढ़ जाता है। अगर मैं बात करूं ए पेंसिल, तू सबसे कठोर 9H पे होता है और सबसे सॉफ्ट 7B पे होता है, ए पेंसिल तेरे लीड में ग्रेफाइट और काओलिन मिट्टी मिला है रे, ये दुनिया मिट्टी से मिलकर बनी है मेरे भाई, ये पेंसिल में भी मिट्टी मिला दिया गया है, ठीक ना। अगर तेरे अंदर काओलिन मिट्टी ज्यादा हो गया तो तू हार्ड हो जाएगा, और आपको तो पता ही है जो इंसान जमीन से जुड़ा होता है, इस देश की मिट्टी से जुड़ा होता है, वो अपने आप में कितना हार्ड होता है। इसी तरह जुड़े रहना अपनी जमीन से, अपनी मिट्टी से, ध्यान रखना। ए पेंसिल तेरे अंदर अगर मिट्टी ज्यादा है तो तू बहुत हार्ड है रे, अगर तेरे अंदर ग्रेफाइट ज्यादा है तो बड़ा सॉफ्ट है, ध्यान रखिएगा इस चीज को, ध्यान रखना इस चीज को। अब पेंसिल पे पढ़ने चले गए, तुम कौन से ग्रेड के हो? मैं HB का हूं, H का मतलब हार्ड, B का मतलब बोल्ड। अरे सर, सर ये बताइए ना, मैं HB पेंसिल से सबसे ज्यादा क्यों लिखता हूं? आपने अभी तक ये नहीं बताया, सुनिए, हम HB पेंसिल से सबसे ज्यादा क्यों लिखते हैं,
ये क्वेश्चन मेरा नहीं है, ये क्वेश्चन मैंने जानबूझ के आपसे पूछा है, और सोचिए ये क्वेश्चन तो आपको पूछना चाहिए और रेलवे ने आपसे ये क्वेश्चन पूछा है। मैं आपको ये पहले बात दिखाना चाहूंगा कि किस तरीके से रेलवे ने आपसे ये क्वेश्चन पूछा है, ठीक है ना। देखो कहां गई, लाइटर, हार्ड, सॉफ्ट, हाँ ये देखो ये पेंसिल। ये क्वेश्चन कह रहा है कौन सी पेंसिल जिसमें मुक्त हस्त चित्रण होता है, फ्री हैंड ड्रॉइंग की जा सकती है, कौन सी पेंसिल, कौन सी पेंसिल है? देखिए ध्यान से, कौन सी पेंसिल है माय डियर? बिल्कुल बिल्कुल 10K कराना है मेरे भाइयों, ठीक है ना। ध्यान से, फ्री हैंड ड्राइंग के लिए HB पेंसिल का इस्तेमाल करते हैं। आप ध्यान देखो, HB में ना हार्ड होता है, ना बोल्ड होता है, ना ब्लैक होता है, HB जो है एकदम बीचो बीच है। HB देखो एकदम बीचो बीच है, और इसी का सबसे ज्यादा इस्तेमाल होता है लिखने में। आगे चलोगे तो मैं और बहुत सारी बातें बताऊंगा कि HB के अंदर और क्या क्या क्वालिटीज हैं, ठीक है ना। लेकिन ध्यान रखने की कोशिश करना, सबसे ज्यादा अगर हम लोग कोई पेंसिल इस्तेमाल करते हैं लिखने के लिए, मुक्त हस्त चित्रण, ठीक है ना, फ्री हैंड ड्राइंग के लिए, तो हम लोग सबसे ज्यादा HB पेंसिल का इस्तेमाल करते हैं। बचपन से कला की किताबों में, आर्ट ड्राइंग में हम लोग सबसे ज्यादा HP पेंसिल इस्तेमाल करते हैं, ठीक है ना। लेकिन अब हम आ गए हैं इंजीनियर्स, इंजीनियर्स बन गए और इंजीनियरिंग ड्राइंग पढ़ रहे हैं, और इंजीनियरिंग ड्राइंग के अंदर तीन प्रकार से बांटा गया, हार्ड, मीडियम और सॉफ्ट। सोचो कितना नॉलेज है, सोचो कितना नॉलेज मिल रहा है तुमको। ये दुनिया जानती है बस ये एक पेंसिल है, और तुम जानते हो इस पेंसिल की खासियत क्या है, तुम जानते हो इस पेंसिल को पढ़ने का तरीका। किसी भी पेंसिल को आज उठाना अपने घर में और पढ़ के देखना कि तुम्हारे ग्रेड क्या है, किस ग्रेड का पेंसिल है, क्या है, क्या है इसकी लंबाई, क्या है। पेंसिल से बातें करो, पेंसिल से बातें करना सीखो मेरे भाइयों। आई होप कि आपको मेरी ये बात समझ में आ गई होगी, और ये मेरा क्लास सबसे अच्छा लगा होगा। तो आपको इस क्वेश्चन का जवाब देना है, सबसे सॉफ्ट पेंसिल कौन सी होती है? तो सर सबसे सॉफ्ट तो कौन सी है बताओ? 7B। लेकिन सर यहां तो कहीं नहीं लिखा 7B। अब तो अगर आपको 7B नहीं दिख रहा है, इसका मतलब वो क्वेश्चन पूछना चाह रहा है इन चार में से सॉफ्ट कौन सा है, इन चारों में से सबसे सॉफ्ट कौन सा है। तो बी का मतलब होता है ब्लैक, और ब्लैक जो होता है एकदम सॉफ्ट होता है। आगे चल के तो सबसे आगे 7B के बाद कौन, 6B, तो आंसर होगा 6B। वैसे कौन होता है, वैसे होता है सर 7B, लेकिन यहां चार ऑप्शन में सबसे आगे कौन सा है, इन चार ऑप्शन में पूछ रहा है सबसे सॉफ्ट कौन सा है, सबसे सॉफ्ट है 6B। अब निम्नलिखित में सबसे हार्ड पेंसिल कौन सी होती है, और हमको पता है सबसे ज्यादा हार्ड होती है 9H, लेकिन आपको इनमें से पूछ रहा है बताओ सबसे हार्ड कौन सी होती है। आपको कुछ नहीं करना है, आपको कमेंट बॉक्स में इसका आंसर करना है, ठीक है ना। आपको कमेंट बॉक्स में इसका आंसर करना है। और कल मैंने जो क्वेश्चन पूछा था कि ड्रॉइंग सीट के ऊपर किस चीज को चिपकाया जाता है, किस चीज से ड्रॉइंग सीट को चिपकाया जाता है, उसका आंसर है सेलो टेप। कई सारे बच्चों ने इसका कमेंट बॉक्स में आंसर किया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और बहुत सही आंसर था आप लोगों का। और मैंने दूसरा क्वेश्चन पूछा था A4 क्रॉस 3, इसका मतलब था उसकी चौड़ाई तो वही रहेगी, बस जो अगला डायमेंशन है लंबाई, उसमें 3 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है ना। वो भी आंसर कमेंट बॉक्स में आप सभी लोगों ने सही किया। आप लोग से मैं चाहूंगा कि इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर करिए, और आप लोग जुड़िए, जितना अच्छा कमेंट करोगे उतना ही ज्यादा मजा आएगा। मैं कमेंट पढ़ता हूं, और मैं लिटरली बता रहा हूं हर कमेंट पढ़ता हूं, ठीक है। इस क्वेश्चन का भी आंसर आपको करना है कि बताइए विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लाइटेस्ट पेंसिल। मैं इसको नाम दे दे रहा हूं HW1 और HW2, इसका आंसर आप लोग करना है, ठीक ना। HW1 HW2, आप ऐसे लिखोगे 1 का और 2 का, ऐसे आंसर कर देना 1 का और 2 का, और कमेंट कर देना कि क्या क्या है आपका आंसर। आपको भले एक ही क्वेश्चन आए, आप आंसर जरूर करना, लेकिन मेरा मानना है कि आपको दोनों आएगा, ये और ये। इनमें से सबसे लाइटेस्ट पेंसिल कौन सा है देख लो क्वेश्चन, और इनमें सबसे हार्ड पेंसिल कौन सा है, इन दोनों क्वेश्चन का आंसर आपको करना है कमेंट बॉक्स में। आई होप आज का सेशन आपको अच्छा लगा होगा। अगर सेशन अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मैं आपके लिए डेली क्लासेस लेकर आता हूं पेंसिल की, ठीक है ना, सॉरी इंजीनियरिंग ड्रॉइंग्स की, डेली रात में 10 बजे। आज की क्लास पेंसिल के ऊपर थी, कल भी मैं आपको पेंसिल के ऊपर थोड़ी और बातें बताऊंगा,
कि कौन सी पेंसिल किस ग्रेड की होती है। मैं आप लोगों के लिए पूरी मेहनत कर चुका हूं, ठीक है ना। आप देखोगे मैं हर तरीके का मेहनत आपके लिए कर चुका हूं, इस तरीके से ये सारी चीजें। HB पेंसिल का क्या प्रयोग होता है, ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछते हैं H पेंसिल का। मैं आपको प्रॉमिस कर रहा हूं आपको कुछ याद करने की जरूरत नहीं, सब मैंने यहां डालना है, सब मैं यहां भर दूंगा, ठीक है ना। 2H 3H पेंसिल का क्या यूज है, स्पेसिफिकेशन क्या है, ठीक है ना, कहां कहां क्लच पेंसिल क्या होता है, ये सब पढ़ाऊंगा। लेकिन आप मेरे साथ इसी तरह जुड़े रहिए और इस दो क्वेश्चन का आंसर आप लोग करते रहिए, एक तो ये और एक ये, ठीक है। सो आई होप वीडियो अच्छा लगा हो। वीडियो अच्छा लगा होगा तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। सो मेरे प्यारे भाइयों, आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, मिलता हूँ आपसे अगले सेशन में। सो टिल देन एंजॉय, बाय बाय। तब तक के लिए सभी को जय हिंद, जय भारत।